सिवान जिले के मध्य प्रदेश का जो सिवान जिला है वहां से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई। जब परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, 6 महीने की परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, मगर जब हमने 6 महीने की परिवर्तन यात्रा निकालने का प्लान बनाया तो उस समय हमारे पास 6 महीने की परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए कोई तजुर्बा कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि 6 महीने की परिवर्तन यात्रा में जो मुख्य यात्रा है मेरे नेतृत्व में चलेगी और उसके साथ साथ उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत, इससे ये परिवर्तन यात्रा चलेगी। अब परिवर्तन यात्रा चलेगी तो ये बहुत बड़ी परिवर्तन यात्रा है, वंचित लोगों के द्वारा, मजदूर लोगों के द्वारा, पिछड़े लोगों के द्वारा। इसलिए ये परिवर्तन यात्रा हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम लोगों को चलाना है। ये जो 7 तारीख से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा है ये लगभग जनवरी फरवरी 6 महीने तक चलेगी। 6 महीने का मतलब है 180 दिन कम से कम चलेगी। और जो समर्थन देने के लिए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत से परिवर्तन यात्रा निकल रही है वो परिवर्तन यात्राएं मिलकर 441 जिलों में ये परिवर्तन यात्राएं निकली पहुंचेगी। ये बहुत बड़ी परिवर्तन यात्रा है। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने क्यों निकाली, इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। इसे जानने और समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है कि आज देश के अंदर देश की परिस्थिति कैसी है। देश में आज महाभंगात कायम हो चुका है, आजादी का आंदोलन जब चलाया जा रहा था तो आजादी के आंदोलन में गांधी और नेहरू ने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि आजादी मिलेगी सब लोगों की हो, मगर आजादी मिलने के बाद सारी आजादी को आजादी पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुसार 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में सारे देश भर में चुनाव हुआ और एक चुनाव हुआ। इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने 60% जीते ब्राह्मणों को दी, 60% जीते ब्राह्मणों को दी और 47% ब्राह्मणों को चुनवा करवाया गया और इस तरह से देश भर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। जब पहले संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया तो 2-3 बातें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बात यह ध्यान रखना जरूरी है कि आजादी के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए उन लोगों ने इसलिए आजादी के आंदोलन में शहीदी स्वीकार नहीं की, कुर्बानी नहीं दी अपने जीवन की, कि ब्राह्मण का राग है, ब्राह्मण का राग आने के लिए लोग शहीद नहीं हुए, लोग कुर्बान नहीं हुए, लोग इसलिए कुर्बान हुए कि सारे देश में सभी साधारण लोगों की आजादी होगी। मगर धोखाधड़ी से ब्राह्मणों ने इस आजादी पर कब्जा किया और ये जो कब्जा किया ये कब्जा आज पूरे उफान पर है और 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी।
पार्टी ये 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां काम होती है और इन्हीं लोगों का भारत में राज्य, इसके अलावा किसी और का नहीं है। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। मध्य प्रदेश का बीजेपी का राज है और लोग मध्य प्रदेश के लोग बीजेपी के राज से दुखी हो गए तो अब वो कांग्रेस का राज लाने के लिए तैयार, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। तो इससे कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ये तो छछरे छछरे मौसरे मौसरे भाई बहन। कोई आदमी कांग्रेस छोड़ता है बीजेपी जाता है, बीजेपी छोड़ता है कांग्रेस जाता है। गुजरात में राहुल गांधी 22 मंदिरों में गया, नरेंद्र मोदी एक भी मंदिर, 22 मंदिर में गया और ये बताने की कोशिश की केवल बीजेपी के लोगों का हिंदुत्व पर ठेका नहीं, हमारा भी ठेका, हमें हिंदुत्ववादी है। यानी कल बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे तो अब कांग्रेस के लोग भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने के काम में लगे। कल एक पार्टी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही थी, अब दोनों पार्टी मिलकर के हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। और अगर ये दोनों पार्टी मिलकर हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात हो चुकी है। ये जो बहुत ज्यादा खतरनाक बात हो चुकी है कि हिंदुत्व का और हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र बनाने का जो मामला है, ये दो ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के द्वारा हिंदुओं को गुलाम बनाने का, ब्राह्मणों के द्वारा हिंदुओं को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से हम लोग मुक्ति चाहते हैं, ब्राह्मण राज से हटना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने संसद पर कब्जा कर लिया, ब्राह्मणों ने आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारियों की व्यवस्था पर कब्जा कर लिया, ब्राह्मणों ने न्यायपालिका पर भी कब्जा कर लिया, ब्राह्मणों ने मीडिया पर भी कब्जा कर लिया। तो सारे लोकतंत्र के चारों पिलर पर कब्जा कर लिया। इसके कब्जा करने की वजह से अब देश के लोकतंत्र खत्म हो गया है और लोकतंत्र की जगह ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया। इसे परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। अभी 83 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिए गए हैं। भूखमरी के कगार पर पहुंचने वाले लोग का मतलब होता है आधे मरे आधे जिंदा। भूखमरी का मतलब होता है जिनको 2 दिन में 3 दिन में एक आध बार खाना मिलता है, तो इसका मतलब है वो आधे मरे हुए हैं और आधे जिंदा। जो तो ब्राह्मण राज कर दिया है कि उन्होंने आपको इतना कमजोर बना के रखा, इतना कमजोर बना के रखा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालने लायक उन्होंने आपको वोट बैंक बना के रखा। इसलिए हम लोगों को ये काम करना बहुत जरूरी है, ये काम महत्वपूर्ण काम करना जरूरी है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई। शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं, एमबीसी के लोग लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग लड़ रहे हैं, मुसलमान लोग लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन लोग लड़ रहे हैं, लिलायन लोग लड़ रहे हैं, बुद्धिस्ट और जैन लोग लड़ रहे हैं, सिख लोग लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि सभी लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसलिए अन्याय के विरोध में लड़ रहे हैं। जब संविधान भारत में है तो अन्याय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण संविधान को नहीं मानते, 9 तारीख को जंतर मंतर पर ब्राह्मणों ने संविधान जलाया और अभी तक पुलिस के सामने जलाया, मगर पुलिस देखने का काम करती रही। अगर यही संविधान जलाने का काम किसी और ने किया होता तो
वो ऋषि पढ़ाते थे, उसको रात को ही घोषित करते थे। मगर ब्राह्मणों ने संविधान जलाया, बीजेपी के लोगों ने उसको अरेस्ट करने का भी काम नहीं किया। 11 लोगों ने जलाया, खुला खुला जलाया, जंतर मंतर रोड पर पुलिस की परमिशन लेके जलाया। इसका मतलब ये है कि संविधान को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, इसलिए क्योंकि वो पर्दे के पीछे से मनुस्मृति को मानते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि परिवर्तन को आगे बढ़ाया जाए। जब तक हम परिवर्तन को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये काम सफल होने वाला नहीं है। इसलिए परिवर्तन के लिए क्या क्या करना हो, सबसे पहले परिवर्तन के लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग अलग अलग नहीं लड़ना चाहिए। अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो ब्राह्मणों को इनकी पिटाई करने का मौका मिलेगा। 2 तारीख को, 2 अप्रैल को हम लोगों की पिटाई किए, आप लोगों को पीटने में मालूम होगा। आप लोगों को उसके पहले कहीं जिला है वहां भी 150 लोगों को अभी तक जेल में रखा हुआ है, अभी तक उनको नहीं छोड़ा, बोले ना। तो इसका मतलब है ब्राह्मण हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो हमारी पिटाई करेंगे। तो हम तो अकेले अकेले नहीं, मिलजुल कर लड़ना। और अगर मिलजुल कर हम नहीं लड़ते हैं तो हम लोगों को निश्चित रूप से हमको आने वाले समय में अकेले अकेले लड़ने के बजाय सारे लोग मिलजुल कर लड़ेंगे तो सफलता मिलेगी। अगर हम सारे इकट्ठा हो गए तो 85% है, अगर 85% लोग इकट्ठा हो गए तो हम लोग ब्राह्मणों की भी पिटाई कर सकते हैं। आज ब्राह्मण हमारी पिटाई कर रहा है, मगर हम लोगों को पिटाई करने के बजाय व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उससे हम लोगों को मुक्ति चाहिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमें मुक्ति चाहिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमें मुक्ति चाहिए। और मुक्ति के लिए परिवर्तन यात्रा सारे देश में निकाली जा रही है। इसमें आप हमारा साथ सहयोग करोगे, इस विश्वास के साथ आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके अलावा धन्यवाद। धन्यवाद।